अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली की चटनी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये 4 टेबलस्पून भरकर शक्कर के हैं मेरे पास। इसके अलावा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ मोटा ज़ीरा सफ़ेद, इसके अलावा नमक और ये 1 टीस्पून लेवल जिंजर पाउडर। ये ड्राई जिंजर पाउडर है जिसको मैंने पीस कर और छान लिया है और ये पाउडर बन गया, ठीक है। उसको छानना ज़रूरी है। इसके साथ ये होगा कि एक तो आपकी चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा खटाई की वजह से आपका गला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये 250 ग्राम इमली को मैंने भिगोकर उसमें से गुठलियाँ अलहदा करके तो उसको मैंने ब्लेंड करके छान के इसका पल्प तैयार कर लिया है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई में मैं तमाम चीज़ें इकट्ठी डाल दूँगी। इमली का पल्प डाला मैंने, अब सारे स्पाइसेस में डालेंगे। सबसे पहले शक्कर डालेंगे, साथ ही लाल मिर्च पाउडर, जिंजर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो और आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको गाढ़ा या पतला रखना है। और शक्कर भी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिसमें बॉयल आ गया, इसको मैं कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये गाढ़ी भी हो जाए। कम से कम 1 घंटा हल्की आग पे इसको पकाएंगे हम। ये हमारी इमली में ये देखें बबल्स आना स्टार्ट हो गए और इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया। तो हमारी इमली गाढ़ी भी हो गई है चटनी और ये बिल्कुल रेडी है। तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको इसी तरह से तैयार कीजिएगा और जितना आप गाढ़ा करना चाहें वो आप अपने मुताबिक उसको गाढ़ा या पतला रखना चाहें उस हिसाब से आप करिएगा। और मिठास भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।